तो चलिए दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ टाटा मोटर के बारे में, जो इसका प्राइस गिर रहा है, तो आपको खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, ये आपके लिए अपॉर्चुनिटी है या नहीं है। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता हूँ एक चीज़, रतन टाटा ने कुछ चेंजेस किए हैं अपने कंपनी में जो आपको नहीं पता है, तो वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो में। रतन टाटा ने क्या गलती की है या क्या वो जो कर रहे हैं वो सही है, वो आपको देख के जज करना है दोस्तों। और इसका प्राइस क्या अभी गिर रहा है, क्या फिर से एक बार वो आसमान को छुएगा या नहीं छुएगा, तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में क्या मैं आपको कितना हेल्प कर पाता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं जो टाटा मोटर है उसका प्राइस बहुत ज़्यादा गिर चुका है। ऊपर में देखिए टाटा मोटर्स है और नीचे में टाटा स्टील है, तो दोनों का दोस्तों एक ही हाल है, दोनों का प्राइस जो है गिर रहा है। लेकिन आज क्या मुद्दा है जो वो टाटा मोटर्स के बारे में है, तो आज मैं टाटा मोटर्स के बारे में खुल के बताना चाहता हूँ आपको कि क्यों जो है इसका प्राइस जो बहुत ज़्यादा गिर रहा है और कब तक गिरेगा। लेकिन दोस्तों चिंता की कोई बात नहीं है, इसका प्राइस एक बार फिर आसमान को छुएगा ही छुएगा और ज़रूर छुएगा दोस्तों। तो अभी यहाँ पर आप देखिएगा, 1 ईयर का अगर चार्ट देखिएगा तो आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आएगा, जो है ये दोस्तों बस गिरते जा रहा है, गिरते जा रहा है। आप अगर देख रहे हैं तो दोस्तों ये हाई तो इधर ही बनाया हुआ था, हाई इधर ही बनाया हुआ था, इधर कोने में ही हाई बनाया था। अभी तो देखिए दोस्तों ये बस लो जा रहा, लो जा रहा, लो जा रहा। तो दोस्तों इसके पीछे एक राज छुपा हुआ है जो आपको नहीं पता है। अगर आपको नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अब मैं आपको बताने वाला हूँ वो राज। तो चलिए मैं आपको खुलकर बताता हूँ क्या बात। तो आप यहाँ पर दोस्तों साफ साफ देख पा रहे हैं कि रतन टाटा ने क्या किया है। नीचे में देखिए दोस्तों साफ साफ लिखा हुआ है, आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं। ओला है, उस ओला है इलेक्ट्रिक में रतन टाटा ने निजी निवेश किया। तो दोस्तों मुझे हिंदी ठीक से नहीं आती दोस्तों, कोई बात नहीं। तो दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक में रतन टाटा ने निजी निवेश किया, इसका मतलब है दोस्तों रतन टाटा ने जो पेट्रोल और डीजल से जो चलने वाली थी, वो जो उनका जो भी था कारोबार, जैसे कि उनका बहुत सारा कार था, चाहे जो भी था वो मैन्युफैक्चर करते थे और बनाते थे, तो दोस्तों अब वो क्या कर रहे हैं कि इलेक्ट्रिक उसमें ये डालेंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो डिमांड है बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है चेंजेस कर रहे हैं। तो चेंजेस करने में क्या होता है दोस्तों, अभी देखिए फ्यूचर जनरेशन में क्या होने वाला है। फ्यूचर जनरेशन में दोस्तों अब क्या होगा, डीजल और जो पेट्रोल है एक दिन ना एक दिन खत्म होना ही है, बिल्कुल खत्म होना। लेकिन दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज है जो कभी नहीं खत्म हो सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर 2017 में दोस्तों देखिए 25,000 इतना जो है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल था, 25,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल को सेल किया गया था, तो मतलब इतना ही डिमांड था दोस्तों, तो 25,000 डिमांड था। लेकिन दोस्तों 2017, अभी देखिए 2018 में, देखिए दोस्तों 2018 में कितना हो गया, 56,000। तो इसका मतलब दोस्तों यहाँ देखिए 25 और 56 है, इसका मतलब दोस्तों ये डबल से भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। अभी देखिए दोस्तों 2019 चल रहा है, लेकिन दोस्तों गवर्नमेंट ने इशू किया है, नोटिस इशू किया है कि दोस्तों 2025 तक दोस्तों जितने भी गाड़ियां हैं, जितने भी व्हीकल्स हैं, सबको दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट हो जाना पड़ेगा। अगर जो नहीं हुआ उसको 30 तक, ज़्यादा से ज़्यादा उसको 2030 तक चांस दिया जाएगा, जो वहां तक अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्ट नहीं हुआ उसको हटा दिया जाएगा दोस्तों। ये कंपनी का मेमोरेंडम में लिखा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों आप यहाँ जितना फ़र्क देख रहे हैं, तो यहाँ पर 25,000 है 2017 में, और यहाँ पर देख सकते हैं डबल से भी ज़्यादा दोस्तों 56 है। और ये दोस्तों दूसरी बात मैं और बोलना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये जो है रतन टाटा ने है, यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों रतन टाटा जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश कर रहा है। तो दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश करने का मतलब क्या है दोस्तों, वो अपना बिजनेस जो है चेंज कर रहे हैं, बिजनेस जो है वो चेंज कर रहे हैं। क्या है, पेट्रोल और जो डीजल है उससे अपना बिजनेस को है जो चेंज कर रहा है। चेंज करने से क्या होता है दोस्तों, अपना जो भी एक जगह जो इस्टेब्लिश रहता है, अगर उसको दूसरे जगह भेज दो, दूसरे जगह उसको भेज दीजिए, तो ज़रूर उसको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों इसका जो प्राइस जो है बहुत तेजी से गिर रहा है, बहुत तेजी से गिर रहा है, यही इसका वजह है दोस्तों। क्योंकि ये जो है अपना दुनिया छोड़ के दूसरे दुनिया में ये जा रहा है, क्योंकि दोस्तों अभी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाला है उसमें क्या, किसकी डिमांड, पेट्रोल। अभी देखिए प्रदूषण बहुत है दोस्तों, देखिए रतन टाटा का नया निवेश यहाँ पर देखिए दोस्तों, जितना भी दोस्तों प्रदूषण बहुत है दोस्तों, बहुत। तो उससे क्या हो रहा है दोस्तों, पेट्रोल डीजल गैस इससे ज़्यादा है, हमारे पर्यावरण में जो बहुत बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इसी के कारण जो है हमारे रतन टाटा ने अपने व्हीकल्स को इलेक्ट्रिसिटी में है जो कन्वर्ट कर रहे हैं। अभी दोस्तों बहुत सारे हैं, बहुत सारे व्हीकल्स आप देखेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी का है, आप तो बाहर में देखना स्टार्ट कर दीजिए। मान लीजिए आपको 4 या मान लीजिए 4 या 5% भी देखने के लिए मिल रहा है अगर इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स,
तो अगर फ्यूचर जनरेशन में देखिए दोस्तों वही अपोजिट हो जाएगा, 95% आपको देखने मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स और जो 5% मिलेगा वो पेट्रोल डीजल का, वो भी दोस्तों रद्दी मिलेगा, उसको हटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों रतन टाटा का नया निवेश, तो दोस्तों वो नया निवेश किस में कर रहे हैं, ओला में कर रहे हैं। ओला ओला जो है दोस्तों बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, किस में दोस्तों ये इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल्स में बहुत जल्दी ग्रो कर रहा है, तो इसीलिए दोस्तों रतन टाटा इसके साथ मिल के अपना जो है बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि दोस्तों रतन टाटा ने बहुत जल्दी जो है ग्रो किया था अपने बिजनेस को और वो अभी भी नहीं चाहते हैं कि डूबे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा जो चेंजेस हो रहा है वही चेंजेस के वजह से अभी जो उसका प्राइस है वो गिरते जा रहा है दोस्तों, और हमारे पर्यावरण में भी बहुत बहुत नुकसान हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत नुकसान हो रहा है। तो देखिए दोस्तों और एक बात, जैसे कि हम लोगों को पेट्रोल, जैसे कि हमारे गाड़ी में क्या लगता है, व्हीकल्स में क्या लगता है, पेट्रोल लगता है, डीजल लगता है, तो उसके लिए हम लोग को पेट्रोल पंप पर जाना पड़ता है, डीजल पंप पर जाना पड़ता है कि नहीं, तो उसी तरह से यहाँ पर हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी पंप यहाँ पर दिया जाएगा। देखिए ऊपर में अपने गाड़ी अपने व्हीकल्स को चार्ज करने के लिए देखिए इसी तरह से दिया जाएगा, और दिया जाएगा नहीं दोस्तों ये बहुत जगह में, बड़ी बड़ी जगह में जो ये है इम्प्लीमेंट हो चुका है। तो देखिए इस तरह से हमारे व्हीकल्स को चार्ज किया जाएगा और इलेक्ट्रिसिटी जो है हमारे ये बहुत जल्दी से ग्रो हो रहा है दोस्तों। तो इसके पीछे यही राज है कि जो रतन टाटा का जो टाटा मोटर है ये गिरते क्यों जा रहा है दोस्तों, तो यही राज है, आप यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल। और देखिए दोस्तों ये रतन टाटा ने निजी निवेश किया है यहाँ पर, तो दोस्तों अब भी जो है बहुत लोगों को नहीं पता है, जिनको नहीं पता है वो उनको जो है न्यूज़ पता रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि वो न्यूज़ पता नहीं रखते हैं कंपनी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बस शेयर्स को खरीद लेते हैं, तो उससे कुछ नहीं होता है दोस्तों। शेयर्स को खरीदने से बस प्रॉफिट नहीं मिलता है, पहले कंपनी को देखना पड़ता है फंडामेंटली क्या वो स्ट्रांग है, या जो नेक्स्ट स्टेप वो लेने वाला है उसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो गुड है या बैड है, मतलब फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या है। तो उसी तरह दोस्तों आपको उसके बारे में आपको देखना चाहिए, पूरा कंपनी के बारे में देखना चाहिए। ऐसे मान लीजिए कुछ लोग होते हैं कि 10,000-20,000 रुपया और 10,000 या 20,000 रुपीज़ इन्वेस्ट कर रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत लोग ऐसे हैं दोस्तों जो लाखों रुपए इन्वेस्ट करते हैं, लाखों 10 लाख 20 लाख, तो दोस्तों उनको तो ये पता होना चाहिए ना कि हम जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें से क्या कुछ नया स्टेप लेने वाला है या कुछ प्रॉब्लम आने वाला है, तो या कोई केस तो नहीं चल रहा है तो जिससे हमारी कंपनी डूब जाएगी और हमारा शेयर्स का प्राइस जो घट जाएगा तो हम भी डूब जाएंगे साथ साथ में। दोस्तों जो भी अगर जो बल्क क्वांटिटी में खरीदते हैं शेयर, तो उनको जो है वहाँ पर ऑनरशिप दिया जाता है, तो वो सोचिए उनको सोचना चाहिए कि वो जो कंपनी है उनका उतना परसेंट, जितना हमने शेयर खरीदा है उतना परसेंट हम लोग जो है ओनर है कंपनी का। तो दोस्तों आप सोचेंगे कि नहीं ये गलत है, तो दोस्तों आप कहीं पर भी कंपनी का मेमोरेंडम में आप जाके पढ़ सकते हैं। जिसको मेमोरेंडम का मतलब नहीं पता है इसका मतलब दोस्तों मैं बता देता हूँ, कंपनी के मेमोरेंडम मतलब दोस्तों एक नोटिस होता है दोस्तों, वो पब्लिक नोटिस होता है, वो उसमें लिख दिया जाता है और इंटरनेट में जो है उपलब्ध करवा दिया जाता है आप लोगों के लिए। आप लोगों को वहाँ से कुछ भी प्रॉब्लम हो तो वहाँ पर आप कंपनी के मेमोरेंडम जाके पढ़ सकते हैं कि कंपनी का मेमोरेंडम में क्या लिखा हुआ है, वो नेक्स्ट स्टेप जो है लेने वाला है क्या लेने वाला है। अगर वो दूसरा काम कर रहा है, मान लीजिए कहीं और उसका जो प्लांट है, तो और उसका प्लांट अगर वो बनाने वाला है तो वो कब करेगा, क्या करेगा, किसके साथ करेगा, तो ये सब है दोस्तों आप लोगों को पता रहना चाहिए। तो देखिए दोस्तों अभी मैं इतना ही बोलूँगा कि जो लोग भी इनके शेयर खरीदते हैं, इनके टाटा मोटर का शेयर खरीदते हैं, अभी तो फिलहाल गिर रहा है, तो दोस्तों मैं इस 3-4 दिन पहले एक वीडियो बनाया था और टाटा मोटर के बारे में मैंने डाल दिया था, तो डालने के बाद एक दो कमेंट आया था, उन्होंने बोला था कि हाँ मेरे पास जितने भी शेयर हैं मैंने बेच दिया, तो अभी भी प्राइस कम हो रहा, तो मैं यही मेरा वीडियो बनाने का मोटिव इतना ही दोस्तों कि जिनको लॉस हो रहा है उनसे बचे। और दोस्तों मैं ये भी वीडियो डालता हूँ कि कौन सा प्राइस बढ़ने वाला है और कौन सा प्राइस नहीं बढ़ने वाला है। अगर दोस्तों आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लगा तो आप सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, नहीं तो अगर बाद में भूल जाइएगा तो हो सकता है कि आने वाले वीडियो आपको बहुत परेशानी करे। और दोस्तों अभी भी और एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इंफ्राटेल और टाटा स्टील, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, ये सारा प्राइस गिर रहा है, तो सबके लिए दोस्तों मैं एक एक वीडियो बना के अपलोड करूँगा। तो दोस्तों वीडियो बनाने के लिए दोस्तों ऐसे ही वीडियो नहीं बना दिया जाता है बोलते हुए बस, उसके लिए दोस्तों कम से कम तो आपके पास तो परफेक्ट नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में, और जो परफेक्ट न्यूज़ होना चाहिए उसके बारे में, तभी आपको जो है आप बता सकते हैं। नहीं तो दोस्तों फेक न्यूज़ देने से क्या होता है, दूसरों को चीट करने से क्या होता है, वो सब करने से क्या मिलता है, उससे कुछ
कुछ नहीं होगा दोस्तों। तो देखिए रतन टाटा ने जो निजी निवेश किया है उससे बहुत लोगों को नहीं पता है, तो वो बहुत परेशान है दोस्तों, बहुत परेशान है क्यों इसका शेयर प्राइस जो है गिरते जा रहा है। लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, अगर कोई ऑप्शन में फ्यूचर में या उसको सेल करके भी प्रॉफिट करना चाहता है तो वो बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और हाँ दोस्तों एक बात मैं और बोलना चाहता हूँ कि दोस्तों YouTube पे बहुत सारे जो है फेक न्यूज़ आते हैं, तो दोस्तों आप लोगों को वो न्यूज़ को देखकर जो है एक्शन नहीं लेना चाहिए। तो आप पूछेंगे कि क्या है वो फेक न्यूज़, तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ वीडियो में प्ले करके, आप वहाँ पर चैनल का नाम भी देख सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कोई ऐसा क्लेम ना करें जिससे उनको बुरा लगे या हमें बुरा लगे, मैं तो बस आप लोगों को बताना चाहता हूँ। तो देखिए उन्होंने वीडियो में क्या बताया। टाटा मोटर्स ने भी एक्शन लिया है, आपको बता दें कि जो अराउंड 80% लोग, एक मिनट दोस्तों मैंने फास्ट किया है, आपको स्लो करके दिखाता हूं। 1 अप्रैल 2020 से वो अपने सारे डीजल वाले कार्स को डिसकंटिन्यू कर देगा, सेम ऐसे ही जो है टाटा मोटर्स ने भी एक्शन लिया है। आपको बता दें कि जो अराउंड 80% लोग हैं वो डीजल कार नहीं यूज करते, वो पेट्रोल वेरिएंट्स वाले कार को पसंद करते हैं। तो अब बात ये आती है कि जहां 80%, एक बात बताइए दोस्तों, आजकल के ज़माने में डीजल और पेट्रोल, पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा है और जो डीजल का प्राइस है वो कम है। तो दोस्तों मैं बोलता हूँ मेरे हिसाब से, तो दोस्तों पेट्रोल के लिए बहुत ज़्यादा प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बहुत लोग, वो लोग डीजल के लिए चाहते हैं कि जो भी चीज़ है डीजल के लिए बने, क्योंकि दोस्तों उसका प्राइस बहुत कम है। लेकिन यहाँ पर ये साफ साफ क्या बोल रहे हैं दोस्तों, बहुत लोग जो हैं वो पेट्रोल वाली कार जो है पसंद करते हैं और यूज़ करते हैं, और डीजल वाली कार को वो लोग पसंद नहीं करते हैं और यूज़ नहीं करते हैं, इसीलिए दोस्तों उसका प्राइस जो है गिरते जा रहा है टाटा मोटर का। आप ही एक जज करके बताइए दोस्तों, आप ही जज करके बताइए क्या ये सही है। आपके घर में अगर कार है, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बगल वाले से पूछ लीजिए, या आपके घर में मोटरसाइकिल तो होगी, बाइक तो होगी कोई भी, तो दोस्तों आप क्या चाहते हैं, पेट्रोल या डीजल? आप तो चाहते होंगे ना कि मेरा जो भी है डीजल से चले, क्योंकि डीजल का प्राइस कम है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर क्या बोला जा रहा है साफ साफ, 80% लोग हैं वो डीजल कार नहीं यूज करते, वो पेट्रोल वेरिएंट्स वाले कार को पसंद करते हैं। तो अब बात ये आती है कि जहां 80% लोगों के पास पेट्रोल, छोड़िए दोस्तों मैं इसको नहीं मानता, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बताना चाहता हूँ कि ऐसे वैसे न्यूज़ को देखकर आप उल्टा फुल्टा काम मत कीजिए और किसी भी शेयर को खरीद मत लीजिए जोश में आकर, क्योंकि दोस्तों आपको जो है बहुत प्रॉब्लम होगा बाद में जाके, यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों। और है और जो है मैं अपने वीडियो में एक और बात, देखिए दोस्तों मैं जो है आपको परफेक्ट न्यूज़ देता हूँ यहाँ पर, देखिए दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, चाहे टाटा मोटर हो या मारुति सुजुकी हो, चाहे अशोका लेलैंड हो, चाहे इचर हो, कोई भी दोस्तों, अभी जितने भी मोटर्स हैं, जितने भी मोटर्स हैं सबका जो है लॉस में ही हो रहा है दोस्तों, और लॉस होगा, अभी अभी लॉस होने का जो है टाइम आया। तो आप लोग इससे अगर दूर रहिएगा ना तो बहुत अच्छी बात है। आप पूछेंगे दोस्तों क्यों, मतलब अभी क्या है, तो दोस्तों एक बात मैं आप लोग से शेयर करना चाहता हूँ। देखिए आपके पास सपोज़ मान लीजिए कि आपके पास कार है, ठीक ना, लेकिन दोस्तों अपने बगल वाले के पास, देखिए कार नहीं है उनके पास, या अपने बगल वाले के, उससे बगल वाले के पास देखिए कार नहीं है, और दोस्तों आप अगर बड़े बड़े सिटी में जाएंगे तो वहाँ पर देखेंगे इतना कार है, बहुत सारा व्हीकल्स है दोस्तों, इतना व्हीकल्स है कि आपको जो है वहाँ रोड क्रॉस करने के लिए एक सेकेंड का टाइम नहीं दिया जाएगा, इतना व्हीकल्स है। तो दोस्तों इतना मतलब कबाड़ा टाइप का हो गया ये जो है एक कचड़ा टाइप का हो गया है। और दोस्तों ये पहली बात तो ये है कि व्हीकल्स का बहुत सारे व्हीकल्स हैं, और दूसरी बात तो ये है दोस्तों कि रोजगार, एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा दोस्तों लोगों को, जब एम्प्लॉयमेंट ही नहीं मिल पा रहा तो कहाँ से मिलेगा दोस्तों, ये कहाँ से उनके पास पैसे आएंगे कार्स खरीदने के लिए, वैसे तो उनको पास पैसे ही नहीं है तो कहाँ से खरीदेंगे। तो दोस्तों पहली चीज़ तो एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए हम लोग को, जब दोस्तों रोज़गार मिलेगी तभी हम लोग कार इफोर्ड कर पाएंगे, और दोस्तों जब तक हम लोग को और इतना सारा कार है दोस्तों हम लोग क्या करें। तो एक चीज़, जब तक गवर्नमेंट एक बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं निकाल देता तब तक जो है दोस्तों एक कम से कम व्हीकल्स का प्राइस जो है इंक्रीज़ नहीं होने वाला, क्योंकि दोस्तों शेयर्स का प्राइस जो अब गिरना स्टार्ट हो गया, इनका एक लिमिट था, वहाँ जाना था दोस्तों और वहाँ से नीचे आना ही आना था। तो जब तक एक परफेक्ट पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं निकाल देता तब तक इसका प्राइस जो है नहीं बढ़ेगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूं जो बहुत सारा शेयर का प्राइस गिर रहा है, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और
टाटा स्टील, ये सब दोस्तों बहुत है, और तो मैं सबके बारे में एक एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा। और दोस्तों मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं, और मैं अभी भी बताता हूं कि कौन से शेयर का प्राइस जो है होल्ड मतलब आपने खरीद के रखना चाहिए या खरीद के नहीं रखना चाहिए, या सेल कर देना चाहिए या लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए, दोस्तों मैं वो भी बताता हूँ। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर दोस्तों आप लोग मुझे सब्सक्राइब करके सपोर्ट करते हैं तो धन्यवाद दोस्तों, मैं भी आपको बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट करूंगा। और एक बात दोस्तों, अगर आपको सर्विस चाहिए, अगर आपको सर्विस चाहिए दोस्तों, तो आप हमारे नीचे में कॉन्टैक्ट नंबर रहता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिर मैं आपको क्या है कि एक प्रॉपर तरीके से सपोर्ट कर पाऊंगा विथ माई कंपनी। तो दोस्तों जब हमारी कंपनी से फुल परमिशन मिल जाएगी आपको सपोर्ट करने के लिए, तो हम लोग अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। और दोस्तों आप मेरे लास्ट वीडियो मैंने जितने भी अपलोड किए हैं आप वहाँ पर जाके देख लीजिए। अगर मैंने बोला है कि प्राइस इंक्रीज होगा तो दोस्तों प्राइस इंक्रीज हुआ है, अगर मैंने बोला है कि प्राइस डिक्रीज होगा तो प्राइस डिक्रीज हुआ है। तो दोस्तों मैं अभी ये सब के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, या जितने भी दोस्तों मोटर्स हैं, क्योंकि दोस्तों अभी जो इसमें है, जब तक इम्प्रूवमेंट नहीं आएगा तब तक दोस्तों देखिए, एक ऐसा ही मतलब एक अच्छा सिस्टम नहीं आ जाता है पब्लिक रोड पे, पब्लिक के लिए, एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए एक अच्छा सिस्टम नहीं आ जाता है, तब तक दोस्तों इसका जो है डिमांड ऊपर नहीं जाने वाला है। नहीं तो दोस्तों ये क्या होगा, कल 2 रुपये गिरेगा, कल 2 रुपये ऊपर जाएगा, अप डाउन ये करते रहेगा। लेकिन देखिए दोस्तों, 2 रुपीज़ ऊपर जाएगा लेकिन 3 रुपीज़ डाउन जाएगा, फिर 2 रुपीज़ ऊपर जाएगा लेकिन 3 रुपीज़ डाउन जाएगा। तो दोस्तों मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि आप अगर थोड़ा सा दूर रहिएगा तो बहुत अच्छी बात है। बहुत सारे ऐसे कंपनी है दोस्तों, आप उनका शेयर खरीद सकते हैं और वहां पर पैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता है तो आप सजेशन भी ले सकते हैं हमारे यहाँ से। बिल्कुल दोस्तों, हमारे यहाँ से छोटे छोटे से बड़े बड़े शेयर्स का नाम बता दिया जाएगा जिसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करना है, कितना करना है वो आपके ऊपर डिपेंड है दोस्तों। तो धन्यवाद, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिए, फिर भी हम लोग भी आपको अच्छे तरीके से सपोर्ट कर पाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।